वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के फर्स्ट फ्लाइट बुक के आपकी लास्ट पोएम है फोर एन ग्रेगरी, जिसके पोइट हैं विलियम बटलर ईट्स। इसका हमने आपकी शानदार हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं। दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन, यानी एक युवा व्यक्ति और युवा महिला में कन्वर्सेशन यानी बातचीत हो रही है आपस में। What they are arguing about, वो एक दूसरे से किस बात में तर्क दे रहे हैं। आई स्टार्ट करते हैं। Never sell a young man thrown into despair by those great honey colored ramparts at your ear. Love you for yourself alone and not your yellow hair. यहाँ पर विशेष ध्यान देना। Never sell a young man thrown into despair. Despair यानी निराशा। कोई भी young man यानी युवा व्यक्ति, जवान लड़का आदमी thrown into despair यानी निराशा में नहीं जाएगा। Never sell कब? By those इन्हें, इनके द्वारा या इन्हें देखकर, those वो great honey colored महान, great हनी कलर शहद के रंग जैसे रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स का मतलब वैसे तो होता है किले के परकोटे, जो जगह जगह परकोटा होता है, किनारा होता है, ये जो तुम्हारे बालों की लटे हैं किनारे, एट योर ईयर आपके कान पर, लव यू फॉर एज योर सेल्फ अलोन, ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे लिए प्रेम करे, एंड नॉट योर येलो हेयर और इन पीले बालों को प्रेम ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी इनके खूबसूरती को देखकर कोई भी व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। कुल मिलाकर एन के ये जो बाल हैं, इन पर उसकी नज़र सबसे ज़्यादा जाएगी, उसकी जो और ब्यूटी है, उसकी जो और गुण है उन पर नहीं जाएगी, बल्कि सीधा ध्यान इन बालों के ऊपर उसका जाएगा। और इन्हें देखकर कोई भी युवा व्यक्ति निराश नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे लिए प्रेम करे और ये जो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं इनको वो नेग्लेक्ट कर दे, इन पर ध्यान न दे, ऐसा नहीं होगा। बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, लेकिन मैं बालों में हेयर डाई कर लूँगी यानी बालों का रंग चेंज कर लूँगी और ऐसा रंग सेट करूँगी, ब्राउन, भूरा, काला, कैरेट, गाजरी, डेट यंग मैन इन डिस्पेयर कि व्यक्ति निराशा में, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन कि फिर वो ये जो बालों के रंग से प्रभावित हो रहा है इन बालों पर ध्यान न देकर इनको मैं रंग ही चेंज कर दूंगी, ताकि उसका सीधा ध्यान मेरे ऊपर आएगा और मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन कि वो सिर्फ मुझे, मेरे लिए प्यार करे, एंड नॉट माई येलो हेयर और मेरे इन पीले बालों के लिए प्यार न करे। आई हर्ड एन और रिलीजियस मैन, मैंने एक बूढ़े और रिलीजियस यानी धार्मिक, रिलीजियस यानी धार्मिक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना है। बट ईस्टर नाइट डिक्लेयर, ईस्टर नाइट यानी कल रात, डिक्लेयर यानी घोषणा करते हुए, डेट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उसे एक टेक्स्ट यानी मूल ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ मिल गया है, टू प्रूव यानी सिद्ध करने के लिए, डेट ओनली गॉड कि केवल भगवान ईश्वर, माय डियर मेरे प्रिय, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हें, तुम्हारे लिए केवल ईश्वरी प्यार कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर और तुम्हारे बालों को न करके केवल तुम्हें, तुम्हारी ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी के लिए प्रेम करे और ये जो आउटर ब्यूटी नज़र आ रही है तुम्हारे बालों की, इन्हें अवॉइड कर दे, ऐसा तो ईश्वरी कर सकता है, बाकी इंसान तो इन हनी कलर्ड येलो हेयर से प्रभावित हुए बिना नहीं मानेगा और उसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पूरी बॉडी में इन बालों के ऊपर जाएगा, वो इनसे जरूर प्रभावित होगा, तुम्हारे शरीर से उतना प्रभावित नहीं होगा। जबकि एन ग्रेगरी क्या चाहती है कि कोई भी इंसान उसे स्वयं के लिए प्यार करे, उसकी ब्यूटी के लिए प्यार करे
उसकी इंटरनल क्वालिटी के लिए प्यार करे, न सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी आउटर क्वालिटी के लिए प्यार करे। एन ऐसा चाहती है लेकिन ऐसा संभव नहीं है, यहाँ पर ये व्यक्ति उसे बता रहा है। अब इसका हम एक कॉमन आंसर बनाएंगे, साथ ही समरी भी बनाएंगे, उसमें सभी क्वेश्चन के आंसर्स लेंगे, लेकिन वो सब होगा अगले वीडियो में। आप तब तक इस वीडियो को जरूर से अच्छे से 2-3 बार देखिए ताकि आप लोगों के पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।